दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर लगातार नल जल अनुरक्षक भाई लोगों का कमेंट आता है कि हम नल जल में 4 साल से नल जल चलाने की काम कर रहे हैं, लेकिन एक पैसा हमें नहीं दिया जा रहा है, हम क्या करें। तो सबसे पहले आप 4 साल से काम कर रहे हैं और 4 साल काम करने के बाद आज तक एक पैसा नहीं मिला है, तो यह समझ लीजिए कि अगर सरकार की नीयत सही रहती तो आपको पैसा ज़रूर मिलता। नीयत ही नहीं सही है तो पैसा क्या मिलेगा। अब करना क्या है आप लोगों को, करना हो सबसे पहले तो आप लोगों को एकजुट बनना ज़रूरी है, संगठन को मजबूत करना ज़रूरी है। जब तक आप लोग संगठन मजबूत नहीं कीजिएगा, एकजुट नहीं होइएगा, अपने संगठन में राशि चंदा असूली नहीं कीजिएगा, तब तक आपका संगठन मजबूत होगा नहीं। कोई भी संगठन को चलाने के लिए, संगठन के मजबूती के लिए चंदा की ज़रूरत पड़ता है, पैसा की ज़रूरत पड़ता है। आज तक भारत में कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जहां चंदा की असूली नहीं होता हो। कुछ हमारे ऐसे लोग हैं जो हमारे संगठन को तोड़ने के काम करते हैं, हमारे अनुरक्षक भाई को गुमराह करने के काम करते हैं। पूरे बिहार में 38 जिला है, 38 जिला में अभी तक 38 जिलाध्यक्ष नहीं बना है, सभी प्रखंड में सभी प्रखंड अध्यक्ष नहीं बना है, कुछ जिला के कुछ प्रखंड के लोग जगे हुए हैं। और जो लोग जगे हुए हैं वो लोग चाहते हैं कि हम लोग अदर जिला में जाकर, अदर प्रखंड में जाकर जहाँ के अनुरक्षक भाई सोए हुए हैं उनको जगाने के काम करें। लेकिन इसी में से ही कुछ ऐसे लोग हैं जो गुमराह करते हैं कि किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ का प्रखंड है, जहाँ का जो जिला है, वहाँ के लोग वहाँ ही मीटिंग करेंगे। तो जहाँ सोया हुआ है ज़रा सोचिए वहाँ मीटिंग कैसे कर लेंगे। जो जगा हुआ है, जो मीटिंग कर रहे हैं, वही ना किसी जिला में जाकर, किसी प्रखंड में जाकर मीटिंग करवाएंगे। तो यह माना किया जाता है, मतलब यह कि उनका मानसिकता ही नहीं है कि संगठन बने और अनुरक्षक एकजुट हो, मानसिकता ही नहीं है। अगर मानसिकता ठीक रहता तो सहयोग करने की बात करता, एकजुट होने की बात किया जाता। किसी भी संगठन को चलाने के लिए चंदा तो जरूरत है ही, एकदम मस्त जरूरत है चंदा। अगर मान लिया जाए कि आप अपने प्रखंड में मीटिंग कर रहे हैं तो क्या पानी के बोतल की जरूरत नहीं पड़ेगा, नाश्ता की जरूरत नहीं पड़ेगा। पेपर मीडिया में अगर खबर छपवाना हो, किसी चैनल वाले को बुलाकर खबर छपवाना हो तो क्या खर्च नहीं आएगा, तो खर्च आएगा कहाँ से। इसके लिए तो चंदा सुनना ही पड़ेगा। तो कुछ लोग गुमराह करते हैं कि चंदा के धंधा बंद कर देंगे। अगर आप चंदा के नाम पर जो लोगों को गुमराह करते हैं, संगठन को तोड़ने के काम करते हैं, यह अनुरक्षक के हित के लिए नहीं है। सभी अनुरक्षक भाई से मैं यह कहना चाहूँगा कि प्रत्येक प्रखंड में आप लोग संगठन बनाइए, प्रत्येक प्रखंड में चंदा वसूल कर अपने संगठन को मजबूत रखिए। अगर ज़रूरत पड़े तो अदर जिला से, अदर प्रखंड से भी बुलवाइए और लगातार मीटिंग जारी रखिए। आप देखिए, यही समस्तीपुर जिला के जो जितेंद्र कुशवाहा है, उनको बहुत सारे लोगों ने चंदा दिया है, कुछ लोग दिया है, कुछ लोग ना भी दिया है, लेकिन उसी चंदा के सहयोग से, उसी चंदा के बल पर उन्होंने पूरे समस्तीपुर का नल जल बंद करवाने का आह्वान किया है। उस एक चंदा जो है एक बहुत बड़ी सहयोग राशि होता है। अगर कहीं से कोई चंदा आता है तो उस आदमी का हिम्मत और बल बढ़ता है और अनुरक्षकों को जगाने के लिए और अनुरक्षकों को मीटिंग करवाने के लिए और अनुरक्षक को हक दिलाने के लिए दिन रात एक किए हुए रहते हैं। अगर चंदा नहीं मिलेगा तो घर से कौन निकलेगा, जब घर से कोई नहीं निकलेगा तो संगठन मजबूत कैसे होगा। कुछ लोग हाई कोर्ट के नाम पर गुमराह करते हैं कि हम एक एक अनुरक्षक को न्याय दिलवाएंगे। हाई कोर्ट तो तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख देगा, लेकिन यह साबुत है। एक और देखिए, यही गोपालगंज जिला, सिवान जिला, छपरा जिला, सिवान जिला से चंदन दुबे जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके जिला को देखिए, लेटर भी निकाला गया है अनुरक्षक को पेमेंट के लिए
और पेमेंट भी हुआ है, क्या ऐसा ही लेटर निकल गया है? क्या ऐसा ही पेमेंट हो गया है? पैसा की जरूरत पड़ता है, खर्च लगता है। अगर ऐसा ही लेटर निकल जाना रहता तो पूरे बिहार में ऐसा ही लेटर निकल जाता, हर एक प्रखंड में ऐसा ही लेटर निकल जाता। नहीं, लेटर निकलवाना पड़ता है। क्या चंदन दुबे जी को अपने पैकेट से लेटर निकलवाएंगे, अपने पैकेट से पैसा खर्च करेंगे? जो लोग चंदन दुबे जी को चंदा देते हैं उनको कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो लोग उनको चंदा नहीं देते हैं उनको ज़्यादा एतराज है। चाहते हैं कि हम चंदा के नाम पर कमेटी को तोड़ दें, संगठन को तोड़ दें। भाई, जो चंदा देता है उनका फर्ज बनता है कि जिनको चंदा जो लोग दे रहे हैं वो उनका एक कमेटी है, वो कमेटी के लोग एक जगह बैठेंगे, बैठ करके हिसाब किताब करेंगे। अगर और पैसा की जरूरत पड़ेगा तो लोग और चंदा की वसूली करेंगे, नहीं पैसा की जरूरत पड़ेगा नहीं चंदा वसूलेंगे। ये कमेटी की चीज़ है ना, कि जो लोग चंदा नहीं देंगे उन लोगों को ज़्यादा चिंता हो जाता है। तो आप लोग देखिए, अगर चंदन दुबे जी चंदा लिए हैं तो चंदन दुबे जी काम भी किए हैं। सिवान जिला बीच में पड़ता है, बगल में छपरा, उसके बगल में गोपालगंज है। छपरा में भी लेटर निकला है और गोपालगंज में भी लेटर निकला है, सिवान में भी लेटर निकला है, और तीनों जिला में पेमेंट भी हुआ है। जहाँ चंदा वसूली नहीं हुआ है वहाँ संगठन भी नहीं बना है, लेटर भी नहीं निकला है और पेमेंट भी नहीं हुआ है। और गुमराह किया जाता है कि हम हाईकोर्ट से डिसीजन दिलवा देंगे, हाईकोर्ट से न्याय दिलवा देंगे। अभी तक मिला क्या है? इसलिए संगठन में ताकत है। जिस प्रखंड के लोग अपने प्रखंड में धरना दिए हैं, पेपर मीडिया में छपवा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जानकारी दिए हैं, वहाँ के अधिकारी लोग यह देखे हैं कि भाई अनुरक्षक लोग जग गया है, अनुरक्षक के लिए अगर सरकार ने पैसा भेजा है तो अनुरक्षक को पेमेंट होना चाहिए। यह कहाँ ऐसा हुआ है जहाँ अनुरक्षक लोग मीटिंग किया है? लेकिन कुछ लोग यह कहते हैं कि कहीं मीटिंग की जरूरत नहीं है, कहीं किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम एक एक अनुरक्षक को हक दिलवाएंगे। क्या मीटिंग की जरूरत नहीं है? क्या अपने मीटिंग में चंदा की जरूरत नहीं है? क्या धरना की जरूरत नहीं है? जहां धरना नहीं हुआ है, जहां मीटिंग नहीं हुआ वहां पेमेंट हो गया है क्या? कोई है रिकॉर्ड? लेकिन हाँ, यह रिकॉर्ड है जहां धरना हुआ है, जहां लोग एकजुट हुए हैं वहां पेमेंट हुआ है, लेटर भी निकला है। इसलिए सभी अनुरक्षक भाई से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग एकजुट हो जाइए, एकत्रित हो जाइए और अपने मजबूती के लिए अपने संगठन में चंदा वसूलिए, पैसा वसूलिए और धरना कीजिए, प्रिंट मीडिया में खबर छपवाइए, अपना हक और अधिकार के लिए बराबर आवाज़ उठाइए। जब तक प्रिंट मीडिया में आपकी खबर नहीं छपेगा, जब तक चैनल पर आपकी खबर नहीं निकलेगा, तब तक आप लोगों का हक और अधिकार नहीं मिलेगा। इसके लिए संगठन में पैसे की जरूरत है, कोई भी काम करने के लिए पैसा लगेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग एकजुट हो जाइए। कोई अगर आप लोगों को गुमराह करता है तो गुमराह मत होइए। देखिए, यही समस्तीपुर में जितेंद्र कुशवाहा जी का काम सबसे बाद में उभर करके वो आए हैं और सबसे आगे निकल रहे हैं। अपने जिला में भी काम करते हैं और दूसरे जिला में भी जा करके काम कर रहे हैं और अनुरक्षक को एकजुट कर रहे हैं। और आज समस्तीपुर में पूरे समस्तीपुर के नल जल को पानी को बंद भी कर दिए हैं कि जब तक हम लोगों का मानदेय नहीं मिलेगा तब तक समस्तीपुर का पानी बंद रहेगा। ऐसा ऐलान जितेंद्र कुशवाहा ने, विष्णुदेव महतो जी ने किए हैं। लेकिन बाकी जगह सिर्फ वाद और विवाद हो रहा है, एक दूसरे पर दोषारोपण किया जा रहा है, संगठन को तोड़ने की काम किया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को फेरा में आप लोग न पड़िए और संगठन को मजबूत कीजिए, चंदा वसूलिए, अपने संगठन में रखिए, प्रिंट मीडिया में अपनी खबर छपवाइए, अपने तकलीफ छपवाइए। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आगे भेजने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।